पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जब हम शहर से बाहर जाते हैं तो खूबसूरत लैंडस्केप्स देखते हैं, सीनरीज देखते हैं, कई बार उन्हें हम अपने कैमराज में कैप्चर कर लेते हैं तो कई बार अपनी आंखों में बसा लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि इन खूबसूरत लैंडस्केप्स को, इन खूबसूरत सीनरीज को अगर हम अपने घर में एक छोटी सी जगह दे पाएँ तो कितना अच्छा हो। आइए आज जानेंगे एक ऐसी ही आर्ट फॉर्म के बारे में जिसमें आप इस सीनिक ब्यूटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में सहेज के रख सकते हैं। पेंजिंग एक ऐसी कला है जिसमें हम मिनिएचर लैंडस्केप, जो भी हम एक नेचर में लैंडस्केप वगैरह देखते हैं उसका एक मिनिएचर रूप हम इस ट्रे में फॉर्मेशंस में करते हैं। ये 1400 साल पहले चाइना से शुरू हुआ था। इस कला को सबसे पहले बोनजाई बनाए गए, उसके बाद उन पेड़ों को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या और तरीके हैं जो नेचर में उनको दिखाई दिए उसको उन्होंने जोड़ा गया इसमें। पेंजिंग कई तरह की हैं, मेन तीन तरह की पेंजिंग मानी जाती हैं। एक पेंजिंग जिसमें रॉक पेंजिंग कहा जाता है, उसमें आप पहाड़ पेड़ों को छोटा दिखाकर पहाड़ों को दिखाया जाता है। रॉक का फॉर्मेशन, रॉक पेंजिंग का मतलब जिसमें आपका मॉडिफिकेशन जो है मेन रॉक है, रॉक उसका एक आइडेंटिफिकेशन पार्ट है और उसमें छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं। दूसरी पेंजिंग जो है हमारी ट्री पेंजिंग है। ट्री पेंजिंग से मतलब आपसे दिखाई दे रहा है कि जिसमें ट्री आपका डोमिनेटेड है, सबसे बड़ा पार्ट उसका ट्री को फोकस करके बाकी छोटे छोटे पत्थरों के साथ बनाया गया है। और तीसरी जो पेंजिंग है वो है आपकी दोनों को मिक्सचर करके, ट्री, रॉक्स और पानी, इन तीनों को मिला के एक लैंडस्केप बनाया गया जिसे हम लोग लैंडस्केप पेंजिंग, ट्री, रॉक और वाटर के साथ जो बनाया जाता है उस पेंजिंग के। इस तरह से तीन पार्ट हैं इसके पेंजिंग के। और एक नया चौथा पार्ट इन्वेंट हुआ है जिसे हम वर्टिकल पेंजिंग्स कहते हैं। और जो वर्टिकल पेंजिंग है, जैसे उसका नाम दिखाया गया, वर्टिकल मीन्स खड़े पे, वो आप वॉल पर लगा सकते हैं। इस वक्त जो आप एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, ये दृश्य जो है एक ग्रुप प्लांटिंग का है। ग्रुप प्लांटिंग में जैसे आप गिन सकते हैं 5 पेड़ 7 पेड़ का झुंड होता है, एक समूह का है, ये उसका ग्रुप प्लांटिंग है। इसमें जो पेड़ हमने यूज़ किए हैं ये जो नेचर दीवी दीवी ट्रीज हैं, 5 पेड़ों का ये समूह है जिसमें सबसे बड़ा पेड़ जो है मेन कमांडिंग पेड़ है, ये सबसे फ्रंट में रखा गया है, इसके साथ बाकी पेड़ों को दर्शाया गया है। ये दूसरा एग्जाम्पल है जो हमारा पेंजिंग में रॉक पेंजिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों के बीच में से छोटे छोटे पेड़ उगे हैं। इस तरह का नेचुरल लैंडस्केप आपको ले में आप जाएंगे वहाँ का ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप वहाँ आपको दिखाई देगा नेचुरल फॉर्म में। हम लोगों ने वहाँ से इससे प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। इसमें क्या है, रॉक पेंजिंग है, इसमें रॉक्स जो हैं वो डोमिनेटेड हैं, नंबर ऑफ रॉक्स इसमें ज़्यादा हैं और ट्रीज़ इसमें छोटे छोटे लगाए गए हैं। ये जो लाल पत्थर यूज़ हुआ हुआ है इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स है। पेंजिंग बनाते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप रॉक के साथ उसकी बनावट बना रहे हैं आपको सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स भी वही रखने पड़ेंगे जो पत्थरों में अच्छे चलते हों। इसमें जो पेड़ यूज़ किए गए हैं ये चाइनीज़ एल्म है। अगर आप पेंजिंग कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक ही प्रजाति के पेड़ लगाएं, यानी कि एक आपने पेड़ अलग लगा लिया उसी के साथ दूसरा पेड़ लगा लिया, वो नेचर में बैलेंस नहीं होगा। हम लोग जो नेचर में जो चीज़ दिखाई देती है उससे प्रेरित होकर इन चीज़ों को बनाते हैं। जस्ट फॉर गाइड जो है हमारा, अगर नेचर को हम गाइड मान के चलें तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें एक वाटरफॉल जो है वो एक एक्स्ट्रा एक पार्ट ऐड हो गया है इसमें। जिस तरह से आप देखेंगे पानी किस तरह से पहाड़ों से जो गिरता है उसका एक छोटा सा रूप इसमें किया गया है। जो चीज़ें आप बाहर लैंडस्केप में बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, आप सोचते हैं कि हम इसे कभी अपने घर में लेके आएँ, तो एक ये बेस्ट तरीका है जो एक 4 फुट की ट्रे में
एक पूरा का पूरा दृश्य जो है वाटरफॉल के साथ दर्शाया गया है। इसमें जो पेड़ लगे हैं, ये दूसरी प्रजाति का एक पेड़ है जिसे हम वैक्स मालपेजिया कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं और ये पेड़ पत्थरों के साथ बहुत अच्छी तरीके चलता है। इसमें जो हमने रॉक्स यूज़ किए हैं वो हिल माउंटेन्स के रॉक्स हैं, जो अरावलीज के पहाड़ हैं हमारे उनके पर। इनको हम जो नर्नरी लोकल लैंग्वेज में हिल रॉक्स कहते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग रॉक्स इसमें क्रिएट करके छोटा सा बनाया गया है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है, इसमें कम से कम तो नहीं 25-30 तरीके के पत्थरों को जोड़कर, अलग अलग पत्थरों को जोड़कर ये क्रिएट किया है। इसका मेन स्ट्रक्चर एक ये बड़ा वाला है, उसके साथ छोटे पत्थरों को जोड़ के फिर एक ये पत्थर है, ये पत्थर है, अलग अलग पत्थरों के तरीके से बना के जोड़ के फिर ये पूरा एक लैंडस्केप तैयार हुआ है। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। अगर आप पेड़ को सबसे पहले पहाड़ों को अगर आप महत्व दे रहे हैं कि अगर रॉक इसमें माउंटेन सबसे बड़ा है तो पेड़ उससे छोटे होने चाहिए ताकि बैलेंस रहे। यहाँ नीचे पॉइंट बनाया हुआ है, यहीं से ये पानी वापस रिसोर्स होकर ऊपर आता है। ये चीज़ें आपको बहुत पहले से तैयार करनी पड़ेंगी अगर जब बना रहे होते हैं, बनाते बनाते इन जगहों का करते हुए फिर आपको ये चीज़ें बनती रहती हैं। एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया, बनने के बाद इसका काम शुरू हुआ बनने का। ये एक नेवर एंडिंग आर्ट है। जो बोनसाई है वो भी इट्स ए आर्ट, जो आप चीज़ बनाते हैं। आर्टिस्ट कैनवस में पेंटिंग करता है, उसमें अलग अलग ऑयल पेस्टल्स ब्रश का इस्तेमाल करता है, और हम लोग नेचर में जो चीज़ हमें मिलती है प्रकृति में उन चीज़ों को लेके अपनी पेंटिंग तैयार करते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि एक नेचुरल पेंटिंग है या नेचुरल क्रिएशन है, जिसमें आपने नेचर में जो पत्थर मिले, जो पहाड़, घास, पानी और पेड़, जो नेचर में नेचुरल चीज़ें, वो चीज़ों को जोड़ के आपने इस चीज़ को तैयार किया है। ये चीज़ें बड़ी भी होती हैं और टाइम टू टाइम इनमें आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो शेप आप चाहते हैं उस शेप को बरकरार रखें। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो उनकी खूबसूरती हमें अच्छी लगती है, जब हम जंगलों में जाते हैं तो उनकी खूबसूरती हमें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। पेंसिंग आर्ट फॉर्म के जरिए किस तरह से आप पहाड़ और जंगल क्रिएट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये एक बिल्कुल नई तरह की पेंजिंग है जिसे हम वर्टिकल पेंजिंग्स कहते हैं। वर्टिकल मींस एक खड़े फ्लैट सरफेस पे बनाया गया है ये, जिसको कि आप कहीं भी अपने ड्राइंग रूम में, कोर्टयार्ड में या कहीं ओपन वॉल में, जहां आपके पास जगह है, इसको आप फ्रेम करके पिक्चर फ्रेम की तरह आप लगा सकते हैं। इसके लिए आप जगह के मोहताज नहीं हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में या अपने कॉरिडोर्स में या डोर्स के पैनल में, साइड में, लेफ्ट में, जहाँ जगह आपको मिल सकती है, 3x4 की कोई वॉल खाली है, उस वॉल को सजाने के लिए आप वर्टिकल पेंजिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइव पेंजिंग है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक नेचुरल नेचर में जो एक सीनरी है उसको आप किस तरह घर में ला के रख सकते हैं। कॉर्नर्स में पानी देने का तरीका इसका बिल्कुल अलग है। इसमें आप इसको स्प्रे से पानी देंगे ताकि मिस्ट फॉर्मेशन इसमें बनी रहे और इसमें चलते रहे। ये एक गोल मार्बल स्लैब में पत्थरों को वर्टिकल चिपका के बनाया गया है। इस वर्टिकल पेंजिंग की खासियत ये है कि इसमें आप हर एंगल से इसको देखेंगे, अगर तीनों एंगल से देखेंगे इसको अलग चीज़ दिखाई देगी। 3D इसको हम पूरी तरीके से कह सकते हैं। ये जो पेड़ है ये फाइकस इन्फेक्टोरिया, इसका लोकल नेम पिलखन है। ये आपको आसानी से पुराने पुराने बाहर
गांव दराज में पेड़ मिल जाएंगे, जो गांव के आसपास सड़कों के आसपास ये पेड़ बहुत सारे दिखाई देते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये पेड़ काफ़ी सालों तक चलता है, 100 साल 200 साल पुराने पेड़ आज भी आपको ज़मीन में लगे हुए मिलेंगे इनकी। और ये हमने यूज़ किया है इसमें एज ए ट्री पेंचिंग्स में। इसमें आप देखेंगे वही सैंडस्टोन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये पत्थर और पेड़ों का कॉम्बिनेशन में एक दोस्ती की तरह काम करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये पत्थर जो हैं पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, सोख लेते हैं, फिर वो चीज़ जो इनकी जड़ों में ठंडक रहती है, ताकि ये पेड़ आगे काफ़ी ज़्यादा चल सके। आप देख सकते हैं इस पेड़ों की बनावट, इसमें भी शैली जो है यही है कि इनकी भी जड़ें जो हैं नीचे पत्थरों में गई हुई हैं। इसमें भी जो पेड़ इस्तेमाल किया गया है इस पेंजिंग में, वो भी कम से कम तो नहीं 15 से 20 साल पुराने के बीच में इनकी आयु आती है। ये जो आइलैंड है ये थाईलैंड में फीफी आइलैंड भी हैं जिसके हम कहते हैं, उसको देख के ये हमने हुए हैं इंस्पायर्ड। इसमें क्या है, एक पाथ है बड़े, वहाँ पर आप देखेंगे एक ही क्लस्टर्स में चार पाँच बड़े बड़े पहाड़ों में उन्होंने ये आइलैंड बनाया हुआ है, जिसमें लोग बोट्स में घूमने जाते हैं उसके अंदर। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ दिखाई गई है, फिर वही चीज़ इसमें हमने पेड़ जो है वही जो पहाड़ों पर पत्थरों में चलते हैं उन पेड़ों का इसमें चयन किया गया है, ताकि आप इसको लंबे तौर पर रख सकें। एक डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये रॉक है जो ब्लैक रॉक से बनाया गया है, ये काले लावा रॉक्स इसमें यूज़ किए हुए हैं हम लोगों ने, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में खंगर भी कहते हैं, जो वेरी इजीली अवेलेबल है। मैं यही चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट हैं, जो नए बोनसाई आर्टिस्ट अगर काम शुरू करना चाहते हैं पेंजिंग में, इस रॉक्स पे काम करना शुरू करें। इसमें क्या है, ग्रूव्स बड़ी जल्दी मिल जाते हैं और कैरेक्टर जो इसमें दिखाई दे रहा है ये भी बड़ी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं आपको। इनको आपको बस ये देखना है कि पत्थरों का चयन आप किस तरह से करें, ताकि आप जोड़ के ये कैरेक्टर कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने दूसरे तरीके का पत्थर यूज़ किया है, येलो स्टोन्स। ये जनरली येलो स्टोन लेयर्ड रॉक के नाम से जाना जाता है। लेयर्स मीन्स इस स्टोन्स में अलग अलग ग्रूव्स हैं जो क्रिएट करके, कई बार नेचुरल फॉर्म में हमें मिल जाते हैं पत्थर, और कई बार हमको इनको काट के घिस घिस के ये लेयर्स बनानी पड़ती हैं। इसमें आप देखेंगे कि कम से कम एक पहाड़ पे, ये एक पहाड़ का रूप दे रहा है, एक पहाड़ फोकस करके उसमें 10-12 छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं। ये जो पेड़ों की प्रजाति है ये दूसरी तरह की प्रजाति है, इसे हम जूनिपर प्रोस्टेटा कहते हैं, और इनको शेप देने के लिए हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस हिसाब से वायरिंग करके इनको नीचे कर देते हैं उस तरह से ये झुके हुए जाते हैं। पहाड़ों में आप ये देखेंगे जो पेड़ ऊपर हैं, कुछ पेड़ पहाड़ों में सीधे ऊपर जाते हैं और कुछ पेड़ जो है नीचे की तरफ आते हैं। ये आपको पहले चयन करना है कि जो आप कैरेक्टर बना रहे हैं वो आप किस तरीके का पेड़ ले रहे हैं और वो किस फॉर्मेशन में जाएगा। जूनिपर्स की जो वेराइटीज़ है ये पहाड़ तकरीबन पहाड़ से नीचे की तरफ झुकते हैं। ये पेड़ों को कैस्केड फॉर्मेशन में कहा गया है, कि एक बोनसाई में एक शैली है कैस्केड, जिसमें पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और इन पहाड़ों में जो दिखाई गए हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ पेड़ आ गए। प्रोग्राम में टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए छत पर बागवानी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आपको जिस चीज़ में खूबसूरती देखनी है आपको वही चीज़ खूबसूरत दिखने लगती है, फिर चाहे वो गुफाएं हों, केव्स हों या फिर हो खंडर। जी हाँ, इस आर्ट फॉर्म के जरिए आप खंडर को भी बहुत क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इसमें हम लोगों ने एक पुराने खंडरों में जो चीज़ आप देखते हैं कि भाई पुराने पुराने मंदिर हैं, खंडर हैं, उनमें जो पेड़ लग जाते हैं हज़ारों साल से, उनका जो रूप है वो इसमें हमने दर्शाया गया इस पिक्चर में। इसमें आप देखेंगे ये पेड़ है, इसकी जड़ें जो हैं इन मंदिरों की दीवारों से, चट्टानों में से होती हुई
ज़मीन में जा रही हैं। इस तरह का दृश्य आपको कंबोडिया के मंदिरों में, पुराने कंबोडिया के मंदिरों में मिलेगा, और हमारे साउथ में पुराने ऐसे जंगलों में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें जो पेड़ हैं उनमें से आपको दिखेगा। आप ये देखिए कि आपको कितने आइडियाज़ हैं जो आप नेचर से फॉलो करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। समय के साथ साथ ये जो पत्थर लगे हुए हैं इनमें भी मॉस चढ़ जाएगी, बारिशों में उसे छोड़ देंगे, यहीं से नए नए मॉस वगैरह ग्रो होके इनको पूरा का पूरा एक एक जंगल का ग्रीन प्रदर्शन में बदल देंगे। ये एक और तरीका है हमारे पेंटिंग्स बनाने का, जिसे हम लैंडस्केप पेंटिंग कहते हैं। लैंडस्केप पेंटिंग का एक ये न्यू एग्जांपल है। इसमें हम लोगों ने वही पहाड़, पेड़, नदी, शिप, छोटे छोटे फिगरीन्स, हाउसेस जो बैम्बू से बनाए गए हैं ये इसमें दर्शाया गया है। इसका नेचुरल फॉर्म्स जो है, थाईलैंड में एक आइलैंड है फिशरमैन्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे टाइड्स बहुत जल्दी है, उनका टाइड्स जो है लो टाइड हाई टाइड रहती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये क्या है, जितने उनके घर हैं फिशरमैन्स के वो लोग नदी से, समुद्र स्थल से कम 20 फुट 22 फुट 25 फुट की हाइट में वो अपने अपने घर बनाते हैं। ज्वारभाटा जब बढ़ता है, जब ऊपर आता है शाम के टाइम पानी बढ़ने लगता है इनका, तो कम से कम 20 फुट पानी ऊपर आ जाता है नदी से। तो आप उसमें देखेंगे कि जो ये पत्थरों में जो निशान बने हुए हैं, जो धारियाँ ही बनी हुई हैं, ये वो पानी की धारियाँ से ही बनी हुई हैं, और ये पानी इनका 20 फुट ऊपर आके जहाँ इनकी झोंपड़ी है, जो घर हैं, उससे थोड़ी नीचे तक रह जाता है, और रात को जब पानी धीरे धीरे नीचे उतरता है फिर वापस से पानी अपनी इस ग्राउंड लेवल तक आ जाता है जो आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, जो नीचे बोट दिखाई दे रहे हैं, और इनकी जो जहाज़ हैं, बोट हैं, इनको ये रस्सियों से बांध देते हैं और ये पानी नीचे चला जाता है, इनकी बोट भी अपने आप नीचे चली जाती है। वो एक नेचुरल जो फॉर्म है उसको हमने कभी देखा था उस मंजर को, उसको हमने इस छोटे से रूप में, इस 2 फुट 3 फुट ट्रे के रूप में हमने दर्शाने की कोशिश की है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं, जिसको पहले भी मैंने बताया था, येलो स्टोन्स के नाम से है, और ये लेयर्ड रॉक्स है। लेयर्ड मीन्स उसमें धारियाँ पड़ी हुई हैं, और कुछ धारियाँ हमें अपने आप अपने ग्राइंडिंग टूल से, हाथ से घिस के, पावर टूल से बनानी पड़ती हैं, कुछ हमें नेचुरल फॉर्म में पत्थर में मिल जाती हैं, वो छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के बनाया जाता है। ये जो लैंडस्केप आप देख रहे हैं ये तकरीबन कोई 20 से 25 छोटे पत्थर, बड़े पत्थर को जोड़ के ये बनाया गया है। इसके टॉप में जो पेड़ है वो जूनिपर सर्जेंटाई है, एक वैरायटी है जूनिपर्स की, सर्जेंटाई उसकी वैरायटीज़ है। ये इसकी खासियत ये है कि ये पहाड़ों में ऊपर उगता है, टेढ़े मेढ़े होने के वजह से और छोटी सी जगह में उगने के वजह से बहुत अच्छे चलते हैं ये पेड़, इसीलिए हमने इस पहाड़ के टॉप में इस पेड़ को दर्शाया गया है। और ये जो झोपड़ी है ये इस तरह से बनाया गया है कि ताकि इनके जो बांस हैं वो नीचे 20 फुट 25 फुट नीचे तक गए हैं, ताकि जो ज्वार भाटे का पानी आए इनके घरों तक नहीं आता, वो मैक्सिमम पानी इस लेयर तक रह जाता है, फिर ये सीढ़ियों से चढ़ के ये फिशरमैन्स अपने आप ऊपर आते हैं। एक ये छोटा सा, जिसे आप कह सकते हैं एक मॉडल, और एक ये पेंटिंग के रूप में आपके सामने बनाया गया है। ये आप रख सकते हैं अपने घरों में, उन जगहों में रख सकते हैं जहाँ छाया रहे, और ये एक नेचर का आपको पूरा आनंद देगा। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं पेंटिंग्स बनाने के, आप उसको किसी तरह के, ये आपके सामने जो एग्जांपल है ये पेंटिंग एक मटके में बनाया गया है, जिस तरीके से आपके पास कोई टूटा मटका हो या आपने कोई क्रिएट किया करना हो कोई चीज़, इसको काट के, जैसे आप ये देखेंगे एक बड़े मटके को हमने काट के इसके अंदर एक नेचुरल दृश्य को दर्शाया है, कि आप उसमें दिखाई देंगे किस तरह से अंदर लेयर्स रॉक्स लगा के अंदर एक नेचुरल एटमॉस्फेयर बनाया गया है। छोटे छोटे घर दिखाए गए, एक गांव का रूप दिखाया गया है, एक विलेज है पहाड़ों पे जो जैसे बनाए गए हैं। दार्जिलिंग में आप जाएंगे वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वहाँ स्टेप फार्मिंग्स में लोग रहते हैं, पहाड़ी जगह है, खेती करने के लिए वो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक वही चीज़ हमने इसमें दिखाई गई है कि किस तरह से वो सीढ़ी नुमा खेत में इन्होंने अपने बनाया गया है। इसमें छोटे छोटे घर हैं, पेड़ है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जाने के लिए बीच में ब्रिज का भी निर्माण किया गया, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। एक बड़े से एरिया को किस तरीके से हम लोगों ने एक छोटे से गमले के अंदर इसको बनाया गया है, और इसके अंदर हमने एक मिस्ट फॉर्मेशन की मशीन लगाई है जिससे धुआं और मिस्ट बन रही है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में सुबह सुबह आप देखेंगे वहाँ ऑटोमेटिकली पानी से ही भाप बनती है, धुंध बनती है, वो धुंध उनके वहाँ गाँव में पानी के ऊपर तैरती है। ठीक वो चीज़ हमने इस आर्ट में दिखाया गया है आपको। ये एक पेंटिंग का नया रूप है जो आप किसी तरह, बाउंडेशंस नहीं है कि आप हमें पॉट में ही बनाना है, आप किसी चीज़ में बना सकते हैं, मटके में बना सकते हैं, टूटे टायर के अंदर भी आप पेंटिंग्स बना सकते हैं,
और ग्लासेस के अंदर, बाल्टीज के अंदर काट के बना सकते हैं। उसके साथ ये दो और छोटे पेंटिंग्स रखे हुए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने छोटी मटकी के अंदर भी पेड़ लगा के स्टेप फार्मिंग्स करके पेड़ को लगाया हुआ है। हमें किसी हद तक नहीं है, हमारे पे कोई हद नहीं है कि हमें बस ट्रे में ही या पॉट में ही, गमलों में ही हम पेड़ को लगा सकते हैं। नहीं, आप अपना माध्यम बदल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस कर्व के अंदर आपको थ्री डायमेंशन रूप, अब हर एंगल से इसे देखेंगे आपको अलग दिखाई देगा। अगर आप राइट की तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ और डिटेल्स दिखाई देंगी, लेफ्ट की तरफ से देखेंगे वहाँ से कुछ और डिटेल्स दिखाई देंगी। तो इसका माध्यम ये है कि ये 3D इफेक्ट दिखा रहा है। इसमें फ्लैट में आप 3D इफेक्ट दिखाना दिक्कत है, पर इस कर्व में गोले आकार के अंदर वो 3D इफेक्ट दिखा सकते हैं। एक ये नए रूप का आपके सामने है और लोग इसको देख के बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें भी पेड़ हमने वही लगाया है, वैक्स मालपेजिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें पेड़ का चयन, पत्थरों का चयन वो लें जो उसके साथ बैलेंस होता हो। क्योंकि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो ये नहीं है कि 6 महीने 4 महीने रहेगा, उसको आपने सालों सालों रखना है। तो उसके लिए आप उन्हीं चीज़ों का चयन करें जो आगे चल के आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना दे। तो ये जो एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं ये 6-7 इंची ट्रे में आपके सामने है, जो मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। इसमें हमने छोटे से एक लैंडस्केप तैयार किया है। इसमें हमने वाइट रॉक इस्तेमाल किया है जो स्कल स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। सो आपके पास लॉट ऑफ वैराइटीज़ हैं, ये बाउंडेशंस नहीं है कि आप एक ही स्टोन्स आपको मिल रहा है उसी में करेंगे। देयर आर वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टोन्स और डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आप उस अपने पेंटिंग को बना सकते हैं। अच्छी आर्ट फॉर्म को देखने के बाद आपको भी मन कर रहा होगा इसे बनाने का और ये जानने का कि इसे क्रिएट कैसे किया जाए। उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार और देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह, गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने